we go. से शर्त लगा के सोते हो, हमारे घर में चोर घुसा है, उठो। तुमने जरूर कोई सपना देखा है, सो जाओ। सुनो, हमें हॉल में चलकर देखना चाहिए चोर घुसे हैं। देखो, मैंने बहुत बड़े बड़े चोर देखे हैं जो खुद को साइंटिस्ट कहलवाते हैं और मुझ जैसे गरीब साइंटिस्ट का फॉर्मूला चुराते हैं, इसलिए मुझे चोर वोर देखने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं सो जाता हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो, हमें चलकर फौरन उन्हें पकड़ना चाहिए। You are right. मैं जाता हूँ, उन्हें पकड़ता हूँ। लेकिन गलती से कहीं उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? ऐसा है शांति, मैं तुम्हें विधवा के ड्रेस में देखना नहीं चाहता। फिर तुम्हारी साड़ियाँ, तुम्हारा मेकअप का सामान, इनका क्या होगा? इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों सो जाए। हद हो गई। किस डरपोक से मेरी शादी हुई है? आज अगर तुम्हारी जगह शक्तिमान होता तो। शक्तिमान? हाँ हाँ, शक्तिमान। अगर वो होता तो अब तक इनकी छुट्टी कर देता। तो ये शक्तिमान क्या उनकी फैक्ट्री में छुट्टी का भोपू बजाता? जी नहीं, उनको देखते ही अच्छों के भोपू खुद ब खुद बज जाते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी तरह नहीं है डरपोक, वो शक्तिमान है। शक्तिमान? मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं शक्तिमान से कुछ कम नहीं हूँ। अच्छा, देखना है तुम्हें? हाँ, तो आओ मेरे साथ। आओ ना। हाँ, चलो चलो। कौन है, कौन है भाई? कौन? देखा, कोई नहीं है। चलो चले, कहाँ ठहरो। Here we go. ये शाड़े आवाज नहीं मांगता है, आवाज निकालो तो गोली भेजे से पार हो जाएगी, समझा क्या? चल पलट। अब जितना भी तेरे पास माल है सब कुछ हमारे हवाले कर दे, समझा ना? चल निकाल। वैसे इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये अकेली खूबसूरत बीवी है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। वैसे ले भी गए तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरी बीवी को? अबे शाने, हम लोग चोर हैं, डाइवर्स कराने वाले वकील ने तेरी बीवी को लेने आया हूँ। ये घड़ी, ये अंगूठी, ये सामान निकाल। चल, ये चिकनी, ये तेरे लिए भी धमकी है, तू भी निकाल। चल फटाफट, ये मंगलसूत्र, ये चूड़ी, चल जल्दी कर फटाफट फटाफट। चुपचाप दे दो ना, वो कह रहा है तो। हाँ, तुम कह रही हो इसलिए मैं दे रहा हूँ। शाबाश शाबाश, निकल नहीं रहा है भाई साहब। अबे एड़ा है तू, जरा ऐसा अपटिया, फटाफट टेप मार, टेप मार। चल ये चेन भी निकाल, चल चल फटाफट, चल शाबाश, ये जल्दी करना, चल ना। चले चल चल, हो गया, चल जा शान पटी को। सुने बावरे, जब तक हम लोग यहाँ हैं तू एक टांग पे खड़ा रहेगा। हाँ हाँ, एक टांग पे। अगर तेरी दूसरी टांग नीचे आई ना तो तेरी जान ऊपर पहुँच जाएगी। शाबाश चमान, पोटिया अंदर जाके देखो, सारा माल पत्ता निकालो। हाँ जल्दी, हाँ इधर दे, इसमें डाल। शाबाश, अंदर जाके देखा, कितना अच्छा लग रहा है मेरा एक टांग का बंदर। क्या माल मिला भाई, क्या माल, क्या माल मिला बाप। वापस वापस। यार बिड़ू, अंदर कुछ नहीं है यार, एकदम कड़का है बिड़ू, एकदम कड़का। सारा में ये तो लगता है सारा माल बैंक में छुपा है। क्यों बे? लेकिन जितना भी मिला उतना
कम नहीं मिला है। ले बे, चल पकड़। थैंक यू। चलो बे। चुप। मगर क्यों? अरे चोर अभी पकड़ा गया तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे घर में कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैं कल सुबह ही सबको बताऊंगी कि हमारा सामान चोरी हो गया। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोच रखा था, इसलिए चोर को चोरी करने दी। बकवास मत करो, तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा एक टांग पे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। तुम मुझे डरपोक समझती हो? अरे वो चोर जब उस तरफ देख रहा था ना, तो मैंने कम से कम 3 बार पैर नीचे रखा था। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला? उसके सर पे एक गुलदस्ता तो नहीं मार सके? चले आए शक्तिमान बनने। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। आखिर शक्तिमान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या मैं उससे कम हूँ? हाँ, पूरे 3 इंच। अरे बेवकूफ औरत, आदमी को उसकी लंबाई से नहीं नापा जाता। तुम नहीं जानती, ये प्रोफेसर बटावनेकर आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि प्रोफेसर बटावनेकर इस वक्त का सबसे बेकार आदमी है। क्या क्या बेकार आदमी? मैं बेकार? आपने, मैं बेकार? कोई बात नहीं, हर बड़े आदमी की इसी तरह बेकदरी होती है, समझी? अरस्तु से लेके आइंस्टाइन तक सबको दुनिया ने पागल ही कहा है। इस पूरे शहर में सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने मेरी कदर की और अपने रिसर्च सेंटर में एक्सपेरिमेंट करने की मुझे परमिशन दे दी, और वो था इस शहर का मेयर जे। हाँ, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहा, इसलिए ना आपकी कदर होगी ना एक्सपेरिमेंट, समझे? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जे रिसर्च सेंटर वाले मुझे एक्सपेरिमेंट करने से कैसे रोक सकते हैं? कोई करे ना करे, वो लोग मेरी कदर जरूर करेंगे। हाँ, सोचिए क्या, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जे साहब ने ये रिसर्च सेंटर बनाकर बड़ा ही नेक काम किया है। उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को यहाँ आकर बिना संकोच अपने एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे दी थी, जिसका खर्चा वे खुद उठा रहे थे। मगर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि परोपकार के जिस जज्बात में उन्होंने कुछ ऐसे साइंटिस्टों को भी मौका दिया था जिन्हें खुद मालूम न था कि उनके एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकलेगा। और हमारी इंस्टीट्यूट आज भी उनका खर्चा न चाहते हुए भी ढो रही है। अब जे साहब के जाने के बाद हमने ये फैसला किया है कि ऐसे टटपूंजीय साइंटिस्टों को हमारी ये इंस्टीट्यूट कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगी। वो लोग जिन्हें हम आज फाइनल नोटिस देने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम है प्रोफेसर बटावनेकर का। आने दो आज उसे, थोड़ी तफरीह करते हैं। लुक मिस्टर खांडेकर, ये सब आप लोगों को शोभा नहीं देता। वो एक बड़े सीधे साधे आदमी है। सीधा साधा आदमी? मुझे तो वो किसी एंगल से आदमी लगता ही नहीं है। संभल। आपके चश्मे का नंबर पड़ गया है। आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ये आपका। लेकिन प्रोफेसर, आप इतने हड़बड़ाए से क्यों हैं? जरा आराम से बैठिए। नहीं वो प्रोफेसर साहब, आप पानी लेंगे? खन्ना जरा वो फाइल देना। जी थैंक यू सर।
ये लीजिए। मिस्टर खांडेकर। आई एम सॉरी मिस लीला, मैंने जानबूझकर नहीं किया उन्हें गीला। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आर यू ऑलराइट मिस्टर बटावणेकर? यस यस, श्योर श्योर। देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमने आपको यहां किस लिए बुलाया है। आप हमें बताएंगे कि आप किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जी, लाइट्स और रिफ्लेक्शंस पर। क्या कहा? लाइट्स और रिफ्लेक्शंस पर, खास तौर से फ्लोरोसेंट लाइट्स पर। अब आप ये भी बताने का कष्ट करें कि आपको अपने एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा निकलने की उम्मीद है। जी वो तो मैं नहीं बता सकता। क्यों? He is right, sir. जब इन्हें ही नहीं पता तो ये आपको क्या बताएंगे? नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बहरहाल जो भी हो, हमारी कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंटों में ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास ऐसे फिजूल के एक्सपेरिमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन जेजे साहब ने तो मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं चाहूं यहां अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकता हूं। वो तो चाहते थे। मैं जानता हूं, पर अब वो नहीं चाहते। जी 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 हाँ, ये समझ लीजिए उनकी आत्मा ने आकर ये बात हमसे कही है। जब तक आप अपना रिसर्च बंद नहीं करेंगे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन लेकिन सामन सर, ये तो नामुमकिन है। मिस्टर बटावणेकर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हमारी ये संस्था आपको इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं देती है। दैट्स ऑल। तो इसका मतलब है मैं चलूं सर? आप जा सकते हैं। ये पानी गिरा नहीं दी। आई एम सॉरी एवरीबॉडी। आओ गीता, आओ। बहुत खुश नजर आती हो। लगता है जेजे के लापता होने का कोई सुराग लाई हो। ऐसा कोई सुराग नहीं मिला सर। लेकिन गीता, ये बात हमारे अखबार के लिए बहुत अहम है। ये रही वो फाइल सर, जिसका आपको हमेशा इंतजार था। शक्तिमान का इंटरव्यू। क्या? लेकिन लेकिन आपको ये सबूत चाहिए कि ये इंटरव्यू खुद शक्तिमान ने दिया है ना? हाँ, सबूत तो चाहिए। मैं तो सूरज के उगने का यकीन भी तब तक नहीं करता जब तक खुद अपनी आंखों से सूरज को देख नहीं लेता। मुझे पता था सर, इसलिए मैं सबूत साथ लाई। तुम कहाँ चले गए थे शक्तिमान? गुम हो गया था, अपनी ही तलाश में ढूंढ रहा था शक्तिमान को, शक्तिमान के वजूद के असली मकसद को। असली मकसद? लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यह आवाज शक्तिमान की है? ओफो, ये इंटरव्यू शक्तिमान ने दिया है। इसे प्रूफ करने के लिए खुद शक्तिमान को ही आना पड़ेगा। हाँ आना पड़ेगा, बल्कि आना ही चाहिए। जब वो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है तो प्रूफ देने के लिए क्यों नहीं आ सकता? लो मैं आ गया हूँ। शक्तिमान? बे 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 बे, शक्तिमान, शक्तिमान जी, शक्तिमान सर, नहीं नहीं, शक्तिमान साहब। सिर्फ शक्तिमान से ही काम चला लीजिए। वैसे भी आप बुजुर्ग हैं, यहाँ तो बच्चे भी मुझे शक्तिमान के नाम से पुकारते हैं। दरअसल मैं आपको सिर्फ यह बताने आया हूँ कि ये जो इंटरव्यू इन्होंने लिया है वो मेरा ही था। वो जो आवाज आप सुन रहे थे वो मेरी ही है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे तो पहले से विश्वास था कि गीता विश्वास कभी झूठी न्यूज ला ही नहीं सकती। वो तो क्या था कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, इसलिए। आप क्या करेंगे इस उम्र में मेरा ऑटोग्राफ लेकर? जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दरअसल मेरी एक बेटी है निपा, उसके लिए चाहिए। लेकिन सर, अगर उसने ये सबूत मांगा कि ऑटोग्राफ शक्तिमान का है तो? वाह बहुत खूब गीता विश्वास, तुम्हें तो पत्रकार होने के बजाय वकील होना चाहिए था। शक्तिमान जी यहाँ कर दी, यहाँ यहाँ लाइए, ये लीजिए, चलता हूँ। थैंक यू। अरे शक्तिमान जरा रुको तो। कहत गंगू सुन भाई मोर। शक्तिमान, गंगाधर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शक्तिमान कहाँ है?
हम जानते हैं कि शक्तिमान भैया कहाँ है। अच्छा बताओ। बता दे। हाँ। सचमुच बताते? हाँ बाबा। क्रोधित नहीं होंगी आप? नहीं बाबा नहीं होंगी, बताओ। शक्तिमान भैया हमारी जेब में है। क्या? हाँ, निकल निकल निकल, देखिए।